हेलो बच्चों, आज हम न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन का एक बहुत ही पॉपुलर क्वेश्चन उठाएंगे। ये एच सी वर्मा जी की बुक से है और क्वेश्चन नंबर 39 है, चैप्टर 5 न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन का। तो इसमें आपको दिया यह गया है कि ये एक लिफ्ट है, लिफ्ट में एक छेद है, छेद से रस्सी पास ओवर हो रही है और लिफ्ट में अटैच्ड है पुली के ऊपर से जाते हुए, पुली फिक्स्ड है। अच्छा, ये रस्सी को एक आदमी पकड़े हुए है और वो आदमी जो छोटे हैं यानी कि 60 kg मास का है, वो आदमी एक वेइंग मशीन के ऊपर खड़ा हुआ है। ठीक है, अच्छा, जो लिफ्ट है केवल लिफ्ट, लिफ्ट प्लस वेइंग मशीन यानी आदमी को छोड़ के, अगर मैं लिफ्ट की मास की बात करूँ तो वो है 30 kg, कैपिटल एम। तो एच सी वर्मा जी ने यहाँ पे दो सवाल पूछे हैं हम लोगों से। पहला सवाल पूछा है कि भाई अगर ये पूरा सिस्टम आपका इक्विलिब्रियम में रहता है तो वेइंग मशीन की रीडिंग बता दीजिए। उन्होंने थोड़ा सा अच्छी अंग्रेज़ी में लिखा है, मैंने थोड़ा सा यहाँ सिंप्लीफाई करके आपको बताया है कि वो क्या पूछ रहे हैं। दूसरा सवाल ये पूछ रहे हैं कि भाई साहब बताइए, अगर आपको वेइंग मशीन द्वारा करेक्ट वेट दिखाना है यानी जितना एक्चुअल इसका वेट है, ठीक है, तो किस टेंशन से, किस फोर्स से आदमी को रस्सी खींचनी चाहिए यानी टेंशन की वैल्यू बता दीजिए जब वेइंग मशीन करेक्ट वेट शो कर रही हो। तो पहले सीखते हैं कि इसको कैसे अप्रोच करना है। एक्चुअली ये फ्री बॉडी डायग्राम के इम्प्लीमेंटेशन का के लिए एक बहुत ज़्यादा अच्छा क्वेश्चन है, सारे कॉन्सेप्ट इसमें इस्तेमाल हो जाते हैं, बच्चे इसमें क्या गलती करते हैं वो भी हम डिस्कस करेंगे, लेकिन पहले हम देखते हैं। तो सबसे पहला काम हम एकदम बेसिक से शुरू करेंगे, फ्री बॉडी डायग्राम बनाना। फ्री बॉडी डायग्राम बेटा क्या होता है? सिस्टम दिख रहा है, बहुत सारी चीज़ें दिख रही हैं, जितनी सारी चीज़ें दिख रही हैं उन सबको तोड़ तोड़ के अलग करिए और उन पे सारे फोर्सेस दिखाइए, भले ही वो फोर्स आपको काम के लग रहे हों या बेकार लग रहे हों। तो यहाँ पे प्राइमरीली अगर मैं देखूँ तो मैं तीन हिस्सों में तोड़ सकता हूँ इस सिस्टम को, एक आदमी, एक ये आपकी जो लिफ्ट है और दूसरा आपका, तीसरा आपका पुली। पुली पे कुछ खास फोर्सेस लगने होंगे, केवल नीचे की तरफ टेंशन लग रहा हो, फिर भी मैं दिखा देता हूँ। तो अगर मैं पुली का फ्री बॉडी डायग्राम बनाऊँ तो पुली जहाँ से अटैच्ड है यहाँ पे एक टेंशन टी डैश लग रहा होगा, रस्सी को अगर मैं यहाँ से और यहाँ से काट दूँ तो रस्सी पे टेंशन टी लग रहा होगा, यहाँ भी टेंशन टी ही लग रहा होगा, सेम टेंशन। अच्छा, तो यहाँ पुली पे अगर हम देखें तो नीचे की ओर टेंशन टी और टी लग रहे हैं। अगर आप यहाँ पे सिग्मा एफ वाई इक्वल टू ज़ीरो करेंगे तो टी डैश कितना आ जाएगा, 2T के बराबर आ जाएगा। आप देखेंगे कि ये एनालिसिस हमारे किसी काम का नहीं है, बट स्टिल हम रिचुअल को फॉलो करते हुए सबका फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं। अब मैं बनाता हूँ लिफ्ट का फ्री बॉडी डायग्राम। लिफ्ट में यहाँ पे छेद है जहाँ से रस्सी पास कर रही है, ये वेइंग मशीन रखी हुई है। अब आप देखें लिफ्ट पे एक तो ये टेंशन लग रहा है जो रस्सी से की वजह से आ रहे हैं। अच्छा, यहाँ भी कोई टेंशन नहीं लगेगा क्योंकि यहाँ पे रस्सी से बंधी नहीं हुई है, रस्सी से केवल पास कर रही है, ये एक छेद है तो यहाँ कोई फोर्स नहीं लगेगा। बच्चे कई बार क्या करते हैं, यहाँ पे भी टेंशन लगा देते हैं ऊपर या नीचे जैसे भी उनकी इच्छा होती है, बट यहाँ कोई भी फोर्स नहीं लगेगा, एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अच्छा, और कोई फोर्स लगेगा? जी हाँ, बिल्कुल लगेगा, इस पूरी लिफ्ट का कैपिटल एम जी। और कोई फोर्स लगेगा? जी हाँ लगेगा, वो अभी थोड़ी देर में दिखेगा आपको। पहले अब आदमी का फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं। मैन पे क्या क्या फोर्स लगेंगे भाई? एक तो रस्सी का टेंशन जो उसके हाथ पे लग रहा है, बाकी इसका खुद का एम जी, और ये वेइंग मशीन के सरफेस पे है ना, तो वेइंग मशीन इस पे लगाएगी एक नॉर्मल रिएक्शन। ठीक है, अच्छा, यही नॉर्मल रिएक्शन जितना वेइंग मशीन ने आदमी पे लगाया न्यूटन के थर्ड लॉ से, उतना ही वेइंग मशीन पे आदमी नॉर्मल रिएक्शन लगाएगा। तो आप ज़रा चेक करें कोई फोर्स मिस तो नहीं हो रहा है, मेरे हिसाब से तो नहीं हो रहा है। जब भी फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं कभी भी तुरंत इक्वेशंस बनाने पे मत जाइएगा, एक बार चेक करिएगा कहीं कोई फोर्स मिस तो नहीं हो रहा है। अब आप ज़रा ध्यान से देखिए, पहले क्वेश्चन में बोला कि इक्विलिब्रियम कराना है, तो इक्विलिब्रियम कराना है तो हम यहाँ क्या करेंगे, सिग्मा एफ वाई इक्वल टू ज़ीरो, क्योंकि एक्स में तो कोई फोर्स है ही नहीं।
अब सिग्मा एफ बाई ज़ीरो करने पे आप ज़रा ध्यान से देखें क्या लिख सकता हूँ मैं ऊपर की तरफ, एन प्लस टी इज़ इक्वल टू यहाँ एम जी। एम जी की वैल्यू कितनी हो जाएगी बेटा? एम जी हो जाएगी 60। जी जी की वैल्यू 10 रख लेंगे, 9.8 रख लेंगे, जो भी रख लेंगे। यहाँ पे अगर हम देखें तो सिग्मा एफ वाई इक्वल टू ज़ीरो कराने पे आपको मिलेगा टी इज़ इक्वल टू एन प्लस कैपिटल एम जी, यानी कि एन प्लस कैपिटल एम कितना है? 30 जी। ठीक है। अच्छा, अब आपको एक चीज़ पता होनी चाहिए कि जो रीडिंग ऑफ वेइंग मशीन होती है, ये वेइंग मशीन पर जितना नॉर्मल रिएक्शन लग रहा होता है उसके बराबर होती है। एक्चुअल मास कितना है उस पर फ़र्क नहीं पड़ता, बट कितना नॉर्मल रिएक्शन लग रहा है उस पर ही डिपेंडेंट होती है वेइंग मशीन की रीडिंग। यानी आपको इक्विलिब्रियम पे रीडिंग ऑफ वेइंग मशीन यानी कि नॉर्मल रिएक्शन कितना लग रहा है वेइंग मशीन पे, ये पता करना है। ठीक है। तो आप ये देखिए, ये आपकी इक्वेशन वन है, ये आपकी इक्वेशन टू है। आप इन दोनों इक्वेशन से जैसे ही टेंशन को एलिमिनेट करते हैं वैसे ही आपको नॉर्मल रिएक्शन मिल जाएगा। तो आप अगर ध्यान से देखें तो टी इज इक्वल टू एन प्लस 30 जी आया है। इसको टेंशन को निकाल के यहाँ रख देते हैं, यानी आपको मिलेगा एन प्लस टी की जगह आप रख देंगे एन प्लस 30 जी इज इक्वल टू 60 जी, यानी कि आपको मिल गया 2n इज इक्वल टू 30 जी, यानी कि नॉर्मल रिएक्शन आ गया आपका 15 जी, यानी कि 150 न्यूटन। अगर आप केजी वेट में लिखना चाहते हैं तो ये आ जाएगा 15 kg वेट। यानी आपसे पूछा गया कि रीडिंग कितनी आएगी, तो आदमी का वेट दिखाएगा 15 kg। ठीक है। ओके। दूसरा पार्ट, दूसरे पार्ट में बोला जा रहा है कि बताइए कि वेइंग मशीन करेक्ट वेट दिखाए। अब आप ज़रा देखिए, इसका वेट था 60 kg लेकिन दिखा रहा है 15 kg। ठीक है। अब आपको इसको बढ़ा के, इस फिगर को बढ़ा के कितना लाना है? 60 लाना है। कैसे हो सकता है? जब ये लिफ्ट ऊपर की तरफ एक्सेलरेट करे, ऊपर की तरफ एक्सेलरेट करेगी तो एक स्यूडो फोर्स लगेगा जिससे एम जी प्लस नॉर्मल रिएक्शन बेसिकली बढ़ जाएगा। समझ आ रही है बेटा? तो अब हम इसी सारी इक्वेशन को दोबारा से लिखेंगे, बस मैं कलर का चेंज कर रहा हूँ। आप ज़रा ध्यान से देखें, ये तीनों फ्री बॉडी डायग्राम्स एकदम सिमिलर बनेंगे। इसकी तो खैर ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, ये तो बेकार है, इसका कोई कहीं कोई यूज़ ही नहीं होता है। अगर इस रस्सी में टेंशन पूछा जाता तो शायद आपका कुछ काम आता। बट आप इसमें देखें, आप इसको एक्सेलरेट करें ऊपर की तरफ। अच्छा, आदमी ऊपर एक्सेलरेट कर रहे हैं तो आदमी इसके ऊपर रखा हुआ है तो लिफ्ट भी ऊपर एक्सेलरेट कर रही है। एक्चुअली उल्टा बोला मैंने, लिफ्ट ऊपर एक्सेलरेट करेगी तो आदमी भी ऊपर एक्सेलरेट करेगा। तो आप इसके लिए अगर लिखें इक्वेशन तो आप लिखेंगे सिग्मा एफ वाई इज इक्वल टू छोटा एम इंटू ए, ऊपर की तरफ चलाने वाले फोर्स हैं एन प्लस टी, नीचे की तरफ रोकने वाला माइनस एम जी इज इक्वल टू छोटा एम ए। ठीक है। अच्छा, इसके लिए अगर आप सिमिलर इक्वेशन लिखते हैं तो क्या लिखेंगे? सिग्मा एफ वाई इक्वल टू कैपिटल एम ए। इसके लिए कैसे लिखेंगे बेटा? ध्यान से देखें, टी ऊपर की तरफ, ऊपर ही तो चलना है हमको, माइनस एन माइनस कैपिटल एम जी इज इक्वल टू कैपिटल एम ए। तो ये आपकी थर्ड इक्वेशन बन गई और ये फोर्थ इक्वेशन। अब पूछा जा रहा है कि टेंशन कितना होना चाहिए जब वेइंग मशीन करेक्ट रीड करे। अब वेइंग मशीन करेक्ट रीड करे यानी वेइंग मशीन की रीडिंग जो है वो क्या है? नॉर्मल रिएक्शन के बराबर है, और वो करेक्ट हो इसका मतलब कितना होना चाहिए? एम जी के बराबर वेट होना चाहिए। तो आप यहाँ पे एन की जगह क्या लिखेंगे? एम जी। एन की जगह क्या लिखेंगे? छोटा एम जी। तो ये एम जी और ये एम जी तो कट गया, तो यानी यहाँ से आपकी इक्वेशन बनती है टी इज इक्वल टू एम इन टू ए। ठीक है। अच्छा, यहाँ से क्या बनता है? टी माइनस एम प्लस एम इन टू जी इज इक्वल टू एम इन टू ए। अच्छा, इसकी वैल्यू रख देते हैं ज़रा, ये आ जाएगा 60 ए।
तो हमको टेंशन ही चाहिए, तो हम क्या करेंगे, एक्सेलरेशन को एलिमिनेट करना चाहेंगे, और ये एम इंटू ए हो जाएगा 30 ए। तो यहाँ से आप ज़रा ध्यान से देखें, 30 ए हो जाएगा टी बाई टू, तो यहाँ लिख दिया टी माइनस एम प्लस एम कितना हो गया, 30 प्लस 16 90 जी इज़ इक्वल टू टी बाई टू। तो यहाँ से टी बाई टू इज़ इक्वल टू 90 जी, तो आपका टेंशन आ गया 180 जी, यानी कि 1800 न्यूटन। तो ये एकदम परफेक्ट मेथड है। अब इसमें बच्चे गलती क्या करते हैं, बच्चे गलती ये करते हैं कि जल्दबाजी करते हैं, अच्छे से फ्री बॉडी डायग्राम नहीं बनाएंगे, सबको अलग अलग करके फोर्सेस नहीं दिखाएंगे, और चाहेंगे कि हम झटपट एक लाइन में कुछ लिखें और आंसर आ जाए। तो वैसे में करते क्या हैं, बच्चे बोलते हैं साहब ये लिफ्ट है, यहाँ आदमी खड़ा है, ये ऊपर से जाके पुली के ऊपर से यहाँ है, तो यहाँ तो भाई टेंशन लग जाएगा, अच्छा यहाँ भी टेंशन लग जाएगा। अच्छा अब बोलते हैं साहब इसका नीचे एमजी लगेगा, और ये जो बड़े वाला है इसका भी एमजी लगेगा, बड़ा एमजी। और बोलते हैं साहब ये इक्विलिब्रियम हमें करवाना है, तो ये जो टेंशन है ये बैलेंस कर रहा होगा एम प्लस एम जी को, ठीक है। नॉर्मल नॉर्मल रिएक्शन दिखाना ही नहीं पसंद करते हैं, बोलते हैं नॉर्मल रिएक्शन तो इंटरनल फोर्स है, क्या दिखाने की ज़रूरत है। तो टी इज इक्वल टू एम प्लस एम जी कर देते हैं, और बोलते हैं कि भाई रीडिंग ऑफ नॉर्मल रिएक्शन निकालनी है। अब रीडिंग ऑफ नॉर्मल रिएक्शन निकालनी है, तो आदमी पे जब नॉर्मल रिएक्शन दिखाएंगे तो ऊपर की तरफ ही दिखाएंगे, तो लिखेंगे एन प्लस टी इज इक्वल टू एम जी आदमी पे लिखेंगे तो। और टी की वैल्यू कितनी रख देंगे, एन प्लस एम इंटू जी इज इक्वल टू एम जी। तो एन इज इक्वल टू माइनस एम जी, कुछ नेगेटिव आ रहा है, समझ रहे हैं, जो कि सरासर गलत है। नॉर्मल रिएक्शन डायरेक्शन उल्टी नहीं होगी भाई, ये सरफेस है तो आदमी पे ऊपर की तरफ ये फोर्स लगाएगा। तो जल्दबाजी के चक्कर में सब गड़बड़ करते हैं। एक्चुअली अगर आप सिस्टम के पार्ट्स को अलग अलग करके ड्रॉ करें और उन पे फोर्सेस दिखाएं तो कोई गलती नहीं होगी। तो ये एक मिस्टेक है, ये नहीं करना है आपको। अच्छा दूसरे केस में बोलते हैं साहब कि टेंशन निकालना है जब वेइंग मशीन करेक्ट रीडिंग, तो ये तो पता होता है कि भाई जब वेइंग मशीन करेक्ट रीडिंग दिखाएगी तो एन इक्वल टू एम जी होना चाहिए। तो बोलते हैं साहब ये क्या करेंगे हम, ऊपर टेंशन लग रहा है, नीचे एम जी लग रहा है, और ये नॉर्मल रिएक्शन लग रहा है, ठीक है। अब बोलेंगे साहब टी प्लस एन बराबर एम जी होना चाहिए, इक्विलिब्रियम जबरदस्ती करवाते हैं, जबकि सोचना है कि यहाँ इक्विलिब्रियम होना भी है नहीं, क्योंकि इक्विलिब्रियम का कोई मेंशन नहीं है सेकंड क्वेश्चन में। और बोलेंगे साहब कि एन जो है ये एम जी के बराबर होना चाहिए, तो यहाँ से आपका टेंशन आ गया ज़ीरो। अब टेंशन ज़ीरो आ गया, नहीं रस्सी छोड़ दी उसने, अब रस्सी अगर छोड़ दी तो फ्री फॉल होगा। अब आप ज़रा कॉन्ट्राडिक्टरी एक चीज़ समझें कि आपने जो इस पे टेंशन लगाया है, बात सुन रहे हैं, और आप पहले बोलते थे कि साहब ये टी जो है ये एम प्लस एम जी के बराबर है, तो एक तरफ आप बोल रहे हैं कि टेंशन जो है वो 90 जी के बराबर है, और दूसरी तरफ आप दूसरी इक्वेशन से बोल रहे हैं कि टी बराबर ज़ीरो हो जाएगा। तो ये बड़ा अटपटे तरीके से बच्चे करते हैं, ऐसी गलतियाँ बहुत बारी मैंने देखी हैं। इस तरह का कुछ भी आपको नहीं करना है, आपको क्या करना है, एकदम ऑनेस्टली फ्री बॉडी डायग्राम बनाइए अलग अलग करके। अब मैंने ये पुली तक का बना दिया है, हालांकि इसके यूज़ नहीं था, बट आपको शुरू में नहीं सोचना है, क्योंकि एग्ज़ाम में आपको जो क्वेश्चन मिलेगा वो ज़रूरी नहीं है कि एकदम एग्जैक्ट आपको किया हुआ क्वेश्चन मिल जाए। तो आपको प्रोसीजर फॉलो करना है, आपको सिस्टम के पार्ट्स अलग अलग करने हैं, सारे फोर्सेस दिखाने हैं, भले ही वो काम के लग रहे हो या नहीं कर लग रहे हो। इक्विलिब्रियम में तो सिग्मा एफ एक्स इक्वल टू जीरो, सिग्मा एफ वाई इक्वल टू जीरो करना है। अगर एक्सेलरेटेड है तो सिग्मा एफ एक्स इज इक्वल टू एम इंटू ए, और अगर वाई डायरेक्शन में एक्सेलरेटेड है तो सिग्मा एफ वाई इज इक्वल टू एम इंटू ए वाई। तो ये अच्छा क्वेश्चन था एचसीवी का, हम आगे और भी ऐसे क्वेश्चंस करेंगे। होप यू लाइक द वीडियो। आपको बच्चों कुछ और टॉपिक्स जानने हो, कुछ डाउट पूछने हो, कुछ करने हो, तो यू आर मोस्ट वेलकम, सजेशंस आर ऑलवेज वेलकम। होप यू एंजॉयड, थैंक यू गाइज़।